नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हमारा देश बहुत बड़ा देश, लेकिन उसके बावजूद इतने सारे लोगों में इंश्योरेंस लेने वालों का आंकड़ा बेहद ही कम, लगभग हम 4% इसको मानेंगे। अब ये जो इंश्योरेंस की पहुंच है वो देश के कोने कोने में पहुंचे, इसके लिए क्या करने की जरूरत है, लोगों में भी रुचि होने की जरूरत है और इंश्योरेंस सेक्टर और इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी इसके लिए और ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा इजी और ज़्यादा टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है उसको और आसान बनाने की ज़रूरत है। तो दोनों, एक तो यूज़र भी यानी आप ग्राहक और दूसरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री, वो इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए और क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस में के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने की ज़रूरत है, ये आज हम समझेंगे हमारी इस खास पेशकश में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय कराने से पहले आज के शो में क्या खास है जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम शो में समझेंगे क्या कहते हैं भारत में इंश्योरेंस की पहुंच के आंकड़े, साथ ही समझेंगे कोविड काल में कैसे बदली है इंश्योरेंस की जरूरत, क्लेम लेना हुआ है कितना आसान, साथ ही कोरोना काल में हेल्थ और टर्म प्लान की क्या है खासियत। और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अभी शामिल हो चुके हैं शो में डॉक्टर शिराज देशपांडे, ये हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्यूचर जनरलाइज इंडिया इंश्योरेंस। डॉक्टर देशपांडे, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु की आज की इस खास पेशकश में, जिसमें हम खास तौर पर इंश्योरेंस के प्रति लोगों में कितनी जागरूकता है और इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस वक्त क्या करने की ज़रूरत है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इंश्योरेंस की पहुंच जाए, ये हम आपसे समझेंगे। सबसे पहले डॉक्टर देशपांडे, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हमारे देश की जनसंख्या और इंश्योरेंस की पहुंच, अगर हम दोनों को ही अगर कंपेयर करें तो आंकड़े क्या बताते हैं, मतलब हमें इंश्योरेंस की पहुंच के मामले में कितना ज्यादा अभी और आगे बढ़ने की जरूरत है। हम अगर देखते हैं कि इंश्योरेंस, जैसे मोटर इंश्योरेंस भी अगर हो वो कंपलसरी है, तो भी हम देख पाते हैं कि मोटर इंश्योरेंस में भी कंपलसरी टीपी जो इंश्योरेंस होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो कंपलसरी है, तो भी 50% ऑफ 50% जो टू व्हीलर्स है और उससे ज़्यादा है वो अनइंश्योर्ड रहते हैं। अभी वेरियस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंसेस हैं, जैसे हेल्थ है, जैसे अपने घर मकान है, लाइफ इंश्योरेंस का तो मैं लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री से नहीं हूँ इसलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं करूँगा, लाइफ इंश्योरेंस भी है और ये मकान है, इंडस्ट्रीज है, स्मॉल स्केल है, SMEs है, या विविध प्रकार के इंडस्ट्रीज हैं और व्यवसाय है, सबके लिए ऐसे तो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे जैसे आते निकलते रहे हैं, पर इसका अपटेक जो है वो अभी तक अवेयरनेस कम होने से बढ़ता नहीं आ रहा। और जैसे आपने स्क्रीन पे भी डाला हुआ है, आंकड़े डाले हुए हैं, और इसके लिए अभी प्रयास तो बहुत चालू है इंश्योरेंस कंपनीज का भी। इन्हीं दिनों में अगर हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस भी एक, जैसे ये कोविड के काल में हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत कैसे या इसका अवेयरनेस कैसे बढ़ गया, अभी ये अवेयरनेस भी हम बोल सकते हैं कि दो प्रकार के हैं, एक तो भय के कारण या फियर के कारण लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना खरीदी करना पड़ा, और दूसरा है एक्चुअली फील करना कि इसकी ज़रूरत है, हेल्थ इंश्योरेंस की हमको ज़रूरत है, हर आदमी को अपने स्वास्थ्य की बीमा करने की बहुत ही नीड है। ये ऐसे हम अगर सोचने लगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी मच बेटर। ये कोविड काल ने हमको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि इंश्योरेंस विविध प्रकार से लोग इसके लिए डिफरेंट एस्पेक्ट परस्पेक्टिव लिया है, लोगों ने करेक्टली इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है और लोग अभी अपने हेल्थ इंश्योरेंस भी करने लगे हैं। बिल्कुल डॉक्टर देशपांडे, आपने सही बताया कि पिछला, अगर हम एक या डेढ़ साल देखें, पिछले साल 2020 मार्च टू बी वेरी प्रिसाइज देखें, उसके बाद से लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जो एक रवैया है वो काफ़ी ज़्यादा बदला है।
हमारे साथ एक और खास मेहमान है, उनका भी परिचय कराते हैं और उनसे भी समझते हैं इंश्योरेंस की अहमियत के बारे में। सुब्रमण्यम ब्रह्म जोशियाला हमारे साथ हैं, ये हैं बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ, SBI जनरल इंश्योरेंस से हेड री इंश्योरेंस है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के भी हेड हैं। सुब्रमण्यम सर, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके ज्वाइन करने से पहले डॉक्टर देशपांडे यही कह रहे थे कि अगर हम इंश्योरेंस के दायरे और इंश्योरेंस की पहुंच की बात करें, लोगों में जागरूकता ज़रूर आई है कोविड की वजह से शायद, लेकिन आपको क्या लगता है ये काफ़ी है ये ध्यान में रखते हुए कि कोविड हमेशा तो नहीं रहेगा लेकिन बाकी जो ज़रूरतें हैं इंश्योरेंस से जुड़ी हुई वो आगे और भी बढ़ती जाएंगी, इंश्योरेंस के आंकड़े और उनकी पहुंच क्या कहती है? मुझे लगता है कि अभी भी इंश्योरेंस अवेयरनेस बढ़ाने में काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी हमें। ये तो सच बात है कि कोविड की वजह से खास करके हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ी है और लोग हमारे पास इंक्वायरी लेके आ रहे हैं। बट अगर मैं ओवरऑल बेसिस पे देखता हूँ और संपन्न देश जो हैं अगर वहाँ पे अगर इंश्योरेंस अवेयरनेस से मैं हमारे देश की तुलना करता हूँ तो हमारे देश में अभी भी काफ़ी कम है। अगर मैं एक हेल्थ इंश्योरेंस का एक उदाहरण दूँ आपको, हमारी आबादी है 130 करोड़ और गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस का भी अगर आप नंबर लोगे शायद 40 से 50 करोड़ लोग आज भी उनके पास हेल्थ की बीमा है, स्वास्थ्य की बीमा है। और एक डेटा ये पॉइंट ये है कि आज भी भारत में आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ केयर एक्सपेंसेस यानी कि लोग अपने जेब से जो खर्चा कर रहे हैं अपने हेल्थ के लिए वो 60% के ऊपर है। तो अगर ये मानते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस के अवेयरनेस बढ़ाने में हमें काफ़ी मेहनत और कोशिश करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से हम और इंश्योरेंस रेगुलेटर भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि अभी भी बहुत स्कोप है अवेयरनेस बढ़ाने में। बिल्कुल सर, मतलब एक क्योंकि देश इतना बड़ा है, अगर लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात करनी हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत है। डॉक्टर देशपांडे, यह आप समझना चाहेंगे पिछला जो एक साल रहा है, ना सिर्फ लोगों में इंश्योरेंस के प्रति रुचि बढ़ी है पर इंश्योरेंस एज ए सेक्टर, इंश्योरेंस कंपनियां, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस हम कह सकते हैं आए हैं। आपकी नज़र में कुछ बड़े बदलाव इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन से रहे हैं पिछले एक साल में, कोविड के मद्देनज़र भी और लोगों तक इंश्योरेंस की अवेयरनेस और पहुंच बढ़ाने के लिहाज से भी, अगर हम कुछ पॉलिसीज़ की भी बात करें और अगर कुछ सर्विसेज की भी बात करें? अभी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ये देखना है कि जब लॉकडाउन का पीरियड हो गया तो लोगों को दिक्कतें आ रही थी इंश्योरेंस कंपनीज तक कब कैसे पहुँचने की, और लोग इंश्योरेंस के जो इंटरमीडियरीज हैं, एजेंट हैं, सभी लोग जो इंश्योरेंस पहुंचाते हैं उनको भी दिक्कतें आ रही थी। तो सबसे बड़ा चेंज आया था कि डिजिटलाइजेशन हो गया था, जो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत देर चाह रही थी कि कैसे हम लोग मूव करें, पर इससे एक एडवांटेज आ गया कि लोगों ने इमीडिएटली डिजिटल मोड्स क्विकली कैसे पॉलिसी सिंप्लिसिटी जो ट्रांजैक्शन का होता है वो कैसे आ जाए, एंड लोग इमीडिएटली घर बैठे हुए अपने पॉलिसीज, किधर एजेंट को मिलने ना जाने की जरूरत है, कुछ ना करके घर पर थे पॉलिसीज कैसे खरीद पाए। सो इसमें तो ये डिलीवरी जो है, परचेज और डिलीवरी का जो मैकेनिज्म है, इसमें बहुत ही बड़ा बदलाव आया और डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही जल्दी से आया। अभी प्रोडक्ट्स में अगर हम देखने लगे तो प्रोडक्ट्स में बहुत सारे चीज़ें इस दिनों में इसमें आ गई कि अभी टेलीमेडिसिन जैसे चीज़ें हैं या टेली कंसल्टेशंस हैं या होम हेल्थ केयर है जो घर में भी हॉस्पिटलाइजेशन बना का केयर मिल सकता है। तो ऐसे जो एडवांस होते हैं ये जो चीज़ें ये एडिशनल इस समय की ज़रूरत थी कि ऐसे इसमें हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है तो लोगों को कैसा घर में भी ये हॉस्पिटलाइजेशन का सेटअप घर में भी सेटअप करके उसको भी इंश्योरेंस कंपनीज कैसे कवर कर सकते हैं। सो ये चीज़ें बहुत ही इसमें डेवलप हुए हैं। अभी क्लेम्स में भी अगर हमने देखा तो बहुत
जल्दी थोड़ा रेगुलेटरी भी था, थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज में था कि इन इसमें कैसे इंश्योरेंस कंपनीज ने जल्दी से जल्दी क्लेम सेटल करने, और बहुत सारे क्लेम सेटल भी हुए हैं लोगों ने, ये एक साल में एक घंटे में कैशलेस का ऑथराइजेशन देना और लोगों, सो बहुत सारे जो डिलीवरी और क्लेम सेटलमेंट मैकेनिज्म्स में भी बहुत चेंज आया है। और डिजिटलाइजेशन यूज अगर हम बोले कि खाली स्वास्थ्य बीमा नहीं, अगर मोटर में भी देखा तो मोटर में हमने अभी सर्वे के लिए कोई जा नहीं पाता था, तो एप्लीकेशंस हैं जो उसकी लिंक मोबाइल पे भेजी जाती थी और स्वयं अपने व्हीकल का सर्वे भी कर लेता था, या सर्वेयर थोड़े गांव के सर्वेयर, उधर के सर्वेयर, कोई एप्लीकेशंस के साथ अपना टैब और इसमें से। सो डिजिटल मेथड्स से जैसे ईज ऑफ ट्रांजैक्शन होने लगा, क्लेम्स असेसमेंट होने लगे, क्लेम सेटलमेंट होने लगे, इससे बहुत ही प्रभावित ये सेक्टर में आए। एब्सोल्यूटली, आपने सही बोला डॉक्टर देशपांडे कि डिजिटलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, मतलब कोविड की तो रिक्वायरमेंट ही थी, कोविड पैंडेमिक की तो रिक्वायरमेंट ही थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और ऐसे में अगर कोई सर्विस इंडस्ट्री डिजिटल माध्यम के थ्रू अपने ग्राहकों तक पहुंचती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच बढ़ाने में उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, और ये हमने इंश्योरेंस में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी से देखा। सुब्रमण्यम सर, आपसे इनफैक्ट क्लेम के बारे में समझना चाहेंगे। हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले जो कोविड की सेकेंड लहर रही है उसमें क्लेम के मामले बहुत ज़्यादा बढ़े, हालांकि क्लेम की जो सेटलमेंट प्रक्रिया है उसको भी ज़्यादा आसान डेफिनेटली किया गया, डिजिटल प्रोसेस है, उससे लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों पर कितना ज़्यादा दबाव पड़ा इस ड्यूरिंग सेकेंड वेव में क्लेम नंबर बढ़ने से? इसमें कोई शक नहीं है कि काफ़ी प्रेशर तो बढ़ा है इंश्योरेंस कंपनियों पर, क्योंकि अगर आप देखोगे पिछले साल और इस साल के पहले दो महीने में लगभग 19 लाख क्लेम पहुंचे हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम 15,000 करोड़ के, तो काफ़ी प्रेशर तो बढ़ा है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इंश्योरेंस कंपनियों ने इसका जो मैकेनिज्म बनाया है क्लेम सेटल करने का या हल करने का, बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है। अगर मैं एक उदाहरण दूँ हमारी कंपनी की, जैसे देशपांडे जी ने कहा, आजकल कोविड क्लेम्स में हम एक घंटे में अपने TPA को डॉक्यूमेंट प्रोसेस करके परमिशन देने की इजाज़त दे रहे हैं। दूसरी बात है, पहले अगर हम फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को मांगते थे, अभी स्कैन डॉक्यूमेंट से काम चला जाता है। और तीसरी बात है, हमने TPA को यह भी बुलाया, 50,000 रुपये तक जो क्लेम है उनका हमने अथॉरिटी बढ़ाया है और अपनी तरफ से वो एक निर्णय ले सकते हैं। तो ऐसे मुझे लगता है कि काफ़ी इंडस्ट्री ने बहुत ही प्रो कस्टमर या प्रो कंस्यूमर मेजर्स लिए हैं, इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसकी वजह से ग्राहक को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। और क्लेम्स में हमने ज़रूर देखा है कि दबाव तो ज़रूर है, लेकिन हमारा रिस्पांस जो है वो भी बहुत बढ़िया रहा है। ओके, तो क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को भी बहुत ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश की गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान हैं, देश की टॉप लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी के हेड हमारे साथ है, उनसे समझेंगे तमाम दर्शकों की समझ के लिए कि हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे फिर लाइफ इंश्योरेंस हो, वो आप आसान तरीके से कैसे ले सकते हैं टॉप मैनेजमेंट से ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मनी गुरु। आप देख रहे हैं मनी गुरु, और मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं इंश्योरेंस प्लान जिंदगी बनाए आसान। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, डॉक्टर श्रीराज देशपांडे, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस, और साथ ही हमारे साथ सुब्रमण्यम ब्रह्म जोशियोला जी हैं, हेड री इंश्योरेंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट SBI जनरल इंश्योरेंस। डॉक्टर देशपांडे, थोड़ा बहुत आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो समझना चाहते हैं कि जब भी वो कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ इंश्योरेंस हम अगर उसकी बात कर लें, पिछले एक साल में हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों लोगों का चलन भी बहुत बढ़ा है, लेकिन क्योंकि इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं, तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस अगर किसी को लेना हो तो कैसे कैसे क्राइटेरिया को उनको समझना और देखना चाहिए एक इंश्योरेंस प्लान लेने से पहले? अभी हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले चीज होती है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना जो सभी
खाली एक डिसीज स्पेसिफिक प्लान नहीं है, पूरा योर हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस मिनिमम कवर करता है ये। दूसरी चीज होती है कि इसका सम इंश्योर्ड जो डिसाइड करना, अगर सम इंश्योर्ड स्टार्ट होते हैं 1 लाख से भी होते हैं, 10 लाख या 15 लाख, 50-1 करोड़ तक भी जाते हैं, पर हर आदमी ने कौन से शहर में रह रहा है, उधर कैसे कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है, ये तय करके मिनिमम सम इंश्योर्ड जितना ज्यादा ले सकता है उतना ही उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि और दूसरा, यंगर एज में हायर सम इंश्योर्ड लेना इस बहुत बेनिफिशियल रहता है। तीसरे एक चीज देखना है कि जो वेटिंग पीरियड्स होते हैं, हर पॉलिसी में वेटिंग पीरियड्स होते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग कितने सालों के बाद कवर होता है ऐसे, सो ये सब रिलेटेड प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस होते हैं या थोड़े सर्टन नेम डिसीजेस के लिए वेटिंग पीरियड्स रहते हैं, तो ये जितने वेटिंग पीरियड्स कम हो उतना इट्स बेनिफिशियल होता है पॉलिसी होल्डर के लिए। हिडन सब लिमिट्स ना हो या किसी में उसको पूरी तरह से पॉलिसीज अच्छी तरह से प्रोडक्ट जान देना, क्योंकि जितना कवरेज वाइडर होता है उसका प्रीमियम भी ज्यादा रहता है, पर एक अच्छी पॉलिसी जो अपने लिए एनी टाइम अगर हॉस्पिटलाइजेशन हो अच्छे हॉस्पिटल में उसका खर्चा पूरी तरह से कवर कर सके, और अब हर उसी आदमी को ये अफोर्डेबल भी है कि क्या सब इंश्योर्ड का प्लान मैं ले सकता हूँ, क्या प्रोडक्ट ले सकता हूँ, ये चीजें देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कौन से कंपनी से ले रहे हो या कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कैसे कैशलेस का ट्रैक रिकॉर्ड या अदरवाइज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स में जो है प्रोडक्ट फीचर्स जो है इनमें से इतना देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ ऐसे जरूरी बातें जो इंश्योरेंस लेने से पहले आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए, डॉक्टर देशपांडे ने बहुत क्लियरली वो बताई। थोड़ा बहुत टर्म इंश्योरेंस के बारे में सुब्रमण्यम सर आपसे बात करें, तो कोविड के टाइम पर स्पेशली जो लोग कोविड से रिकवर्ड हुए हैं उनके लिए थोड़ा टफ हुआ है टर्म प्लान लेना, अगर वो लेना चाहें तो क्या कुछ नई शर्तें हैं जो उनको ध्यान में रखने की जरूरत है? जहाँ तक टर्म प्लान्स का सवाल है मैडम, तो हम नॉन लाइफ इंश्योरर्स हैं तो हम टर्म प्लान्स ऑफर नहीं करते हैं, तो शायद मैं इस पे जवाब नहीं दे पाऊंगा। बट जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है, बिल्कुल सर, तो कहता हूँ कि हम इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारी तरफ से हमने जैसे देशपांडे जी ने कहा बहुत आसान कर दिया कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकें। नए प्रोडक्ट्स भी आए हैं, रेगुलेटर ने 3 नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए हैं, 2 कोविड वाले प्रोडक्ट कोरोना रक्षक और कोरोना कवच करके, और तीसरा एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आया है आरोग्य संजीवनी करके। इसके अलावा हमने भी 3-4 पॉलिसियां और नए पॉलिसी इंट्रोड्यूस की हैं पिछले 1 साल में जो ग्राहक के हित में हैं। तो हमारी तरफ से जहाँ तक हेल्थ इंश्योरेंस का सवाल है अभी कोई दिक्कत नहीं है पॉलिसी लेने में, बल्कि मैं ये कहूँगा कि और भी आसान हो गया है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में, क्योंकि जब जहाँ अवेयरनेस बढ़ रहा है लोग हमारे पास आ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, और हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये उनका बाइंग जर्नी जो होता है ये आसान हो जाए। तो हेल्थ इंश्योरेंस में अभी मुझे कोई मुश्किलें नहीं दिखाई दे रही हैं इंश्योरेंस परचेज करने में। जिससे पहले मैं डॉक्टर देश पांडे के पास जाऊं, सुब्रमण्यम सर, ये होम ट्रीटमेंट को लेकर लोगों में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट पूरी तरह शामिल है कि नहीं है। जो अब नए निर्देश आए हैं जो रेगुलेटर ने भी कहा है कि होम ट्रीटमेंट कवर कुछ अतिरिक्त प्रीमियम के साथ आप अपने हेल्थ पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं? तो रेगुलेटर का पिछले हफ्ते ही ये इंस्ट्रक्शंस आए थे कि सभी इंश्योरेंस कंपनियां, स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां और नॉन लाइफ कंपनियां जैसे हमारी हैं, कि आप होम ट्रीटमेंट भी कवर करें, क्योंकि कोविड के समय पे ये होम ट्रीटमेंट पे लोग बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले ऐसे था कि अगर आपको कोई बीमारी हो तो आप सीधा अस्पताल में भर्ती होते और वहाँ पे ट्रीटमेंट लेते और आपका पॉलिसी में कवरेज आ जाता, लेकिन अभी क्योंकि लोग अस्पताल जाने में थोड़ा झिझक रहे हैं और समझते हैं कि मैं होम ट्रीटमेंट में ही लूँ, और ये जो नया फैसिलिटी जो दिया है रेगुलेटर ने, ये हम सब इस पे काम कर रहे हैं, और जल्द से जल्द आई थिंक मैं आश्वासन दे सकता हूँ कि आपको ये होम ट्रीटमेंट भी शायद कवर हो जाएगा आपके मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में।
और इसका जो भी है थोड़ा मिनिमम प्रीमियम होगा और इसका कवरेज हम दे पाएंगे, इसमें कोई कोई शक नहीं है। डॉक्टर देशपांडे, आने वाले अब टाइम में पिछला एक साल हमने देखा इंश्योरेंस इंडस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव रही, लोगों में भी एक अच्छा एक उत्साह देखा गया इंश्योरेंस के प्रति, जो एक अच्छी बात है। ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहे और ना सिर्फ कंटिन्यू रहे बल्कि बढ़े और ज़्यादा, उसके लिए इंश्योरेंस जो कंपनियां हैं, इंश्योरेंस सेक्टर है, वो आगे आने वाले टाइम में और क्या प्रयास कर सकती हैं या उनके कुछ डिमांड जो वो आपके थ्रू रखना चाहें तो? एक देखो, हेल्थ इंश्योरेंस तो ग्रो करना है और हेल्थ इंश्योरेंस में पोटेंशियल भी बहुत है और ये जरूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस आज तक हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड है, मेजॉरिटी रिस्ट्रिक्टेड है हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा, पर अगर हम देख सकते हैं कि देश एक्सपेंडिचर जो होता है, मेजर एक्सपेंडिचर होता है ओपीडी का होता है, 65% ऑफ एक्सपेंसेस आर ओनली 35% आर इन पेशेंट एक्सपेंसेस। अभी ये अगर करना होगा तो पहली सबसे बहुत ही आज क्यों नहीं दे पा रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियां ओपीडी प्रोडक्ट्स या ऐसे, क्योंकि आज हेल्थ केयर सेक्टर में रेगुलेशंस नहीं है। आज अगर हम बोलते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन मिल सकता है, मेडिसिन मिल सकते हैं, उसके बिल्स मिल सकते हैं, तो वो उसका इंश्योरेंस का अगर कवर करना होगा तो थोड़ा रेगुलेशंस हेल्थ केयर सेक्टर में लाना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस हमारी जो है, हमारे प्रयास चल रहे हैं, अभी भी हम बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने, हमने भी फ्यूचर जनरानी में निकाला हुआ है कि हम जहाँ वेलनेस कवर करते हैं, प्रिवेंटिव केयर करना चाह रहे हैं, ओपीडी अपना कवर चाह रहे हैं विद सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस, पर ये जो अगर फुल ब्लोन करना है बहुत, और ये कोविड के दिनों में हमने देखा है कि अगर वेलनेस को बहुत ही इंपॉर्टेंट आ रहा है, वेदर इट इज फिजिकल वेलनेस हो या मेंटल वेलनेस हो, इस चीजों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस आ रहा है, और ये भी इंश्योरेंस में कैसे कवर करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आदमियों ने अगर हम उनका यू नो वी आर एबल टू लोगों को वेलनेस के थ्रू और प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू उनके हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सके, तो आई थिंक दैट इज ये एंड पॉइंट होगा कि जैसे हम लोग अपनी सोसाइटी को अच्छा हेल्थ में रख सकें। सो इसके कारण ऐसे प्रोडक्ट्स की जरूरत है, और ऐसे प्रोडक्ट्स अगर लाने हैं तो हम हेल्थ केयर सेक्टर में, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, इसमें थोड़ा से रेगुलेशंस आने की बहुत ही बड़ी जरूरत है। राइटली सेड सर। डॉक्टर देशपांडे, आपने बहुत अच्छे से समअप किया हमारे शो को, और सुब्रमण्यम सर आपने भी जरूरत बताई कि क्या कुछ आने वाले समय में भी इंश्योरेंस सेक्टर को भी करने की ज़रूरत है जिससे ग्राहकों में भी इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता बढ़े। डॉक्टर श्रीराम देशपांडे और सुब्रमण्यम ब्रह्मजोशीला, आप हमारे साथ मणिगुरु के आज की इस खास पेशकश में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो आज के मणिगुरु के शो में बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।